एल एस एम यानी लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल ये जो मॉडल दिया गया था पॉल हर्से एंड कैन ब्लैंकर्ड 1969 में इन्होंने दिया था तो इन्होंने क्या कहा कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो डिपेंड होनी चाहिए सिचुएशन पे यानी कि आपके इम्प्लॉयिज़ कैसे हैं जिसको आप लीड कर रहे हो जो फॉलोअर्स हैं आपके वो कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए लीडरशिप स्टाइल कि आपको कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपनाना चाहिए तो उन्होंने क्या कहा कि एनालाइज ए पर्टिकुलर सिचुएशन इन डेफ्थ एंड देन लीड इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर सूटेबल फॉर That तो पहले आप जो है सिचुएशन को डेप्थ में है कि आपके फॉलोअर कैसे क्लियर तो कि इन कि कि किसी भी सिचुएशन में तीन एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप लीडरशिप स्टाइल सही से चूज कर सके क्या एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंस की कॉम्पिटेंस क्या है मेच्योरिटी ऑफ द्लॉय एम्प्लॉय कितना मैच्योर है एंड कॉम्प्लेक्सिटी टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है यानी कि कठिन है ठीक है तो इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है सिचुएशन को एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद फिर एलएसएम एस यानी लीडरशिप सिचुएशन मॉडल में चार जो है लीडरशिप स्टाइल की बात कहेगी जिसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है तो कौन कौन से वो मॉडल हैं स्टाइल्स हैं दैट इज डायरेक्टिंग कोचिंग सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग तो एक एक करके समझते हैं तो सबसे पहले आता है दैट इज इस सिचुएशन वन सिचुएशन वन दैट इज़ टेलिंग यानी कि डायरेक्टिंग यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो लो कॉम्पिटेंट होता है और लो मोटिवेटेड होता है यानी कि उसको आ, किस कोई भी टास्क आ गया तो उसके लिए उसको परफॉर्म करने के लिए वो क्षमता भी नहीं होती है और साथ ही साथ उसका मन भी नहीं होता यानी कि मोटिवेटेड भी नहीं होता उस काम को करने के लिए तो इस टाइम पे इस सिचुएशन में कौन सी लीडरशिप स्टाइल यूज़ करनी चाहिए दैट इज़ डायरेक्टिंग यानी कि यहाँ पर लीडर्स को डायरेक्ट करना चाहिए कि तुम ये करो यानी कि एम्प्लॉय को ये करने के लिए कहा जाए क्यों क्योंकि वो कॉम्पिटेंस भी नहीं है और उसके पास मोटिवेशन भी नहीं है तो वो जो है सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो इस केस में आपको उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा क्लियर भाई आप कॉम्पिटेंट भी होते आप मोटिवेटेड भी होते तो हो सकता था कि आप खुद ही कर लोगे जो लीडर है उसको कुछ बोलने की बोल जरूरत ही नहीं पड़ती लेकिन जब आपके पास कॉम्पिटेंस भी नहीं है और आप मोटिवेटेड भी नहीं हो तो आप करोगे नहीं आपसे करवाना पड़ेगा आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा क्लियर तो लीडर्स हु माइनटली सुपरवाइज देयर फॉलोवर्स यहाँ पे क्या होता है कि ये लीडर्स जो है वो बहुत ध्यान से जो है आप सुपरवाइज करते हैं फॉलोवर्स को क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उनके पास कॉम्फिडेंस नहीं और मोटिवेटेड भी नहीं है कहीं कोई गलती ना कर दें कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टिंग देम अबाउट व्हाई हाउ एंड व्हेन द टास्क नीड टू बी परफॉर्म तो इस सिचुएशन में क्या होता है लीडर्स क्या करता है कि वो कॉन्स्टेंटली यानी लगातार जो है वो क्या करना है कैसे करना है कब करना है कौन सा टास्क परफॉर्म करना है इस पर जो है वो गाइडेंस देता रहता है अपने फॉलोवर्स को क्लियर तो सबसे पहला सिचुएशन क्या हो गया कि जब एम्प्लॉई जो है कॉम्पिटेंट भी नहीं है और मोटिवेटेड भी नहीं है तो उस केस में उसको डायरेक्टिंग यानी कि लीडर को डायरेक्ट करना क्लियर दूसरा सिचुएशन है दैट इज सेलिंग सेलिंग में क्या होता है यानी कि यहां पे क्या होता है कि कोचिंग करते हैं यानी कि यहां पे कंडीशन क्या है कि लो कॉम्पिटेंस है लेकिन हाई मोटिवेशन है यानी कि जो आपके फॉलोअर्स से जो इंप्लॉय हैं कॉम्पिटेंस तो नहीं है लेकिन उनके अंदर क्या कहता है कि दृढ़ निश्चय है कि हाँ हमें करना है हमें करना है कॉम्पिटेंस नहीं है लेकिन हमें करना है तो इस केस में क्या करोगे तो बट टॉफिस आप क्या करोगे कोचिंग प्रोवाइड करोगे यानी कि उनको गाइडेंस दोगे तो इंप्लॉइज हैव अ डिजायर टू वर्क इंडिपेंडेंटली बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस येट यानी कि उनके अंदर डिजायर है इच्छा है मोटिवेटेड है लेकिन नहीं है तो दे आर एम्प्लॉयज हु हैव देर रीच फुलच्योरिटी पे नहीं पहुंचे हैं और इस केस में क्या होता है कि लीडर प्रोवाइड कंट्रोल्ड डायरेक्शन एंड इज अ लिटिल मोर ओपन एंड अलाउज टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन हिम हर्सेल्फ एंड द फॉलोवर्स यहां पे क्या होता है कि जो लीडर्स होता है वो कोचिंग करता है यानी कि कंट्रोल डायरेक्शन देता है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अलाउ भी करता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो सके एम्प्लॉई के बीच में और यानी कि फॉलोवर के बीच में और लीडर के बीच में तो सेलिंग यानी कोचिंग जहाँ पे कॉम्पिटेंस तो नहीं है लेकिन हाईली मोटिवेटेड है तो वहाँ पे जो है कंट्रोल डायरेक्शन जो है वो दिया जाता है फॉलोवर्स को तीसरा जो सिचुएशन है दैट इज़ हाई कॉम्पिटेंस एंड लो मोटिवेशन यानी कि जो इम्प्लॉइज़ हैं जो फॉलोवर्स हैं उनका कॉम्पिटेंस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं है तो इस केस में आपको जो है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा क्लियर तो इस केस में क्या होता है लीडर्स को सपोर्ट करना पड़ता है तो एम्प्लॉई हाईली कॉम्पिटेंस है उनके पास नॉलेज है उनके पास जो है डिग्री है नॉलेज भी है क्षमता भी है लेकिन मोटिवेटेड नहीं हो काम करने की इच्छा नहीं है डिजायर नहीं है तो इस केस में जो लीडर है उसको सपोर्ट करना पड़ता है द एम्प्लॉय आर कैपेबल बट अनविलिंग यानी कि वो इच्छा नहीं है उनके अंदर करने का तो दे आर क्वालिफाइड वर्कर ये सब क्वालिफाइड वर्कर होते हैं तो द लीडर सीक्स ओपिनियन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द फॉलोअर्स टू इस्टेब्लिश हाउ अ टास्क शुड बी परफॉर्म यहां पे क्या होता है कि सपोर्ट करता है यानी कि जो इंप्लाइज है उनको सपोर्ट करेगा उनसे पूछेगा कि बताइए कैसे करना चाहिए और मिलकर उनके साथ करता है ठीक तो यहां पर पार्टिसिपेटिंग हो गया सपोर्टिंग नेचर का हो गया क्लियर सिचुएशन हो गई और चौथी सिचुएशन देख इज फोर्थ सिचुएशन क्या है दैट इज डेलीगेटिंग डेलीगेटिंग में क्या होता है कि हाई कॉम्पिटर्स एंड हाई मोटिवेशन यहां पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो हाईली कॉम्पिटेटिव भी है और हाईली मोटिवेटिव भी है तो यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयज़ कैन एंड वॉन्ट टू कैरी आउट देयर टास्क इंडिपेंडेंटली दे हैव ए हायर लेवल ऑफ टास्क मेच्योरिटी तो यहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी इच्छा भी होती है और उनके पास वो उतनी क्षमता भी होती है कि वो टास्क को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें तो द लीडर डेलीगेट्स द रिस्पॉसिबिलिटीज ऑफ कैरिंग आउट टास्क टू हिज फॉलोअर्स तो इस सिचुएशन में क्या करता है जो लीडर होता है वो खुद नहीं जाएगा या फिर सपोर्ट नहीं करेगा वो क्या करेगा डेलीगेट करेगा कि ये लो तुम तुमको ये काम दे दिया गया है और इसको कंप्लीट को जैसे करना है क्लियर तो दैट इज डेलीगेशन द लीडर हाउ एवर मॉनिटर एंड रिव्यू द प्रोसेस लेकिन लीडर जो है टास्क तो दे देता है कि आपको कैसे करना है कब करना है वो आप खुद डिसाइड करो लेकिन वो मॉनिटर कर रहा होगा कि आप कर रहे हो काम कर रहे हो सही से कि नहीं कर रहे हो क्लियर तो so, ये चार सिचुएशन बनती हैं पहला क्या हो गया डायरेक्टिंग यादम यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टिंग में कि वहाँ पे जो है एम्प्लॉई लो कॉम्पिटेटिव होता है और मोटिवेशन भी नहीं होता है. तो उस केस में लीडर को डायरेक्शन देना होता है उसको बताना पड़ता है कि कब कहाँ कैसे क्या करना है दूसरा सिचुएशन हो गया कि कोचिंग यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इंप्लाई है वो कंपिटेंस नहीं होता लेकिन मोटिवेटेड बहुत होता है मतलब कि उसके पास नॉलेज नहीं है लेकिन हाँ वो काम करने की इच्छा उसके अंदर होती है तो इस केस में जो है जो लीडर होता है वो कोचिंग देता है प्रोवाइड करता है कंट्रोल डायरेक्शन देता है टू वे कम्युनिकेशन अलाउ करता है तीसरा क्या हो गया पार्टिसिपेटिंग जहां पर क्या होगा कि कॉम्पिटेंस हाई है लेकिन मोटिवेशन नहीं है एम्प्लॉय के अंदर काम करने के लिए तो फिर वहां पर क्या करता है वो सपोर्ट करता है जो लीडर होता है वो सपोर्ट करता है उनसे डिसीजन uh, मेकिंग उनको पार्टिसिपेट करवाता है और उन्हीं से पूछता है बताइए कि कैसे किया जाए और चौथा सिचुएशन डेलीगेटिंग जहां पर कॉम्पिटेंस भी ज्यादा है एम्प्लॉय का और मेच्योर भी और मोटिवेशन भी ज़्यादा है तो उसके में क्या करता है कि लीडर पूरा टास्क जो है उनको डेलीगेट कर देता है उनको रिस्पांसिबिलिटी दे देता है कि आपको जैसे करना है इस टास्क को कंप्लीट करके दीजिए लेकिन बस सिर्फ उनको मॉनिटर कर रहा है और रिव्यू लेता है प्रोसेस का कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो दैट इज लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है लीडरशिप को परफॉर्म करना चाहिए विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग